बड़े कदम, बड़े कदम, बड़े कदम, बड़े कदम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। पिछले ब्लॉग में आपने देखा किस तरह से हम लोग सुल्तानगंज पहुंचे और फिर वहां पर जाके हम लोगों ने कांवर सजाया और आपको माँ गंगा और अजनबीनाथ मंदिर का भी दर्शन कराया। उसके बाद हम लोग एक होटल में रुके और सुबह हम लोग वहां से जल लेके बाबा धाम के लिए निकले। तो आज के ब्लॉग में आपको रास्ते का नजारा मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। हम सभी दोस्त सुबह को उठकर अजनबीनाथ मंदिर के तरफ चल दिए और वहीं पर हम लोग पहले गंगा जी में स्नान करेंगे और उसके बाद जल लेकर बाबा धाम चलेंगे। आपको देखिए इस रास्ते में कितने ज्यादा जो है कांवरिये नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ से आगे जाने के लिए जो है मंदिर के तरफ जाने के लिए एक पुल पड़ता है, उस पर तो और भी ज्यादा जो है भीड़ रहता है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं और देखिए यहाँ पर सभी भक्त गंगा जी में स्नान करके जो है गंगा जल भर रहे हैं और उसके बाद जल को संकल्प करके यहाँ से आगे निकलेंगे बाबा धाम के लिए। और हम लोग को अभी जाना है अजनबीनाथ मंदिर के पास और रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए उतना अच्छा से जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, देखिए आपको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होगा क्योंकि कैमरा जो है बहुत ज़्यादा हिल जा रहा है। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अजनबीनाथ मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पर हम लोग जो है गंगा जी में स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग जल लेके आगे चलेंगे। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि हम लोग का जो है कुछ दोस्त पीछे रह गया भीड़ में। तो सबको हम लोग एक साथ यहाँ से जल लेकर बाबा धाम चलेंगे और आपको शानदार नज़ारा मिलने वाला है रास्ते का। तो ब्लॉग में आप कंटिन्यू जो है बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए सभी भक्त गंगा जी में स्नान करके यहाँ से जल लेकर बाबा धाम के लिए निकल रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से नीचे चलेंगे और देखिए जहाँ पर अभी भक्त सब जा रहे हैं वहीं पर हम लोग भी गंगा जी में स्नान करेंगे, उसके बाद जल संकल्प करेंगे और वहाँ से फिर आगे निकलेंगे। तो आज आपको जो है रास्ते का ब्लॉग मिलने वाला है सुल्तानगंज से देवघर का। हम लोगों ने जल संकल्प करा लिया, अब चलिए चलते हैं बाबा धाम देवघर। बाबा एक सहारा है। हम लोग कांवर लेकर निकल चुके हैं बाबा धाम के लिए। पुल से निकलकर हम लोग आगे आ चुके हैं और देखिए आपको अभी जो है एक दूसरा पुल नजर आ रहा होगा और वो तो फ्लाईओवर था। हम लोग अब जो है एक नदी के ऊपर से अभी गुजरे और बगल में आपको देखिए सड़क भी नजर आ रही होगी। बजरंगबली का मंदिर का यहाँ निर्माण होने जा रहा है। बम, बड़े कदम, बड़े कदम, बड़े कदम, बड़े कदम। अब हम लोग कांवरिया पथ में जो है प्रवेश कर चुके हैं। इतना देर तक हम लोग जो है सड़क के किनारे ही आ रहे थे और अब जो है कच्ची सड़क जो कि कांवरियों के लिए बनाया जाता है जिसमें बालू बिछा दिया जाता है ताकि चलने में आसानी हो सभी कांवरियों को, हम लोग उस सड़क पर अभी आ चुके हैं। जाना जरूर है। बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, छट्टू बम, बोल बम, छट्टू बम, बोल बम, छट्टू बम, बोल बम, छट्टू बम, बोल बम, हर हर महादेव, बोल बम, बोले बम, बोल बम, बोले बम, बोल बम, बजाती बम, बोल बम, भैया बम, बोल 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 बम, बोले बम, बोल बम, प्रेम से बोलू, बोल बम, दिल से बोलू, बोल बम, मन से बोलू, बोल बम, जोर से बोलू, बोल बम, 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 बोले बम, बोल बम, बोले बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, छट्टू बम, बोल बम, छट्टू बम, बोल बम। लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक जगह रुके और फिर हम सबों ने वहां पर जो कांवर रखने का स्टैंड होता है सभी दुकानों के सामने वो बनाया जाता है कांवर रखने के लिए, उस पर हम लोगों ने पहले कांवर को रखा। उसके बाद हम लोग दुकान में बैठे और चाय पिए, तब तक देखिए कितने कांवरिये जो है आगे जा रहे हैं। अब हम लोग सभी दोस्तों को कॉल कर रहे हैं क्योंकि
कुछ दोस्त जो है आगे निकल चुका है, कुछ पीछे रह गया है, तो हम लोग साथ चलेंगे क्योंकि लगभग 108 किलोमीटर का सफर है, तो साथ में चलने से ही मजा आएगा। तो आप लोग भी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको दिख रहा होगा सभी कांवरिये बम धीरे धीरे बाबा धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग भी आगे चलते हैं बाबा नगरी की तरफ। मनोज बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बड़े कदम थक जाने के बाद हम लोग सभी एक जगह पर रुके और देखिए अभी यहाँ पर हम लोग जो है फोटो क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर रुकने के बाद हम लोगों ने गन्ने का रस पिया और थोड़ा देर जो है हम लोग विश्राम किए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे बाबा धाम की तरफ। आप लोग भी जो है बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको सुल्तानगंज से बाबा धाम का पूरा सफर हम दिखाने वाले हैं। श्री दुर्गा होटल एंड रेस्टोरेंट में आइए, यहाँ देखिए गर्मा गर्म आलू और खीरा का पहाड़ी खीरे भी बनाया जा रहा है। सभी दुकान के सामने आपको इस प्रकार का कांवर रखने का स्टैंड मिल जाएगा, जहां पर सभी कांवरिये अपने पहले कांवर को रखते हैं, उसके बाद अगर उनको कुछ फल वगैरह खाने का मन रहता है तो वो वहां पर जाकर खाते हैं या फिर विश्राम करते हैं। देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितने तादाद में भक्त जो है बाबा धाम जा रहे हैं सुल्तानगंज से जल लेकर। और अभी तो सावन मेला नहीं हो रहा है, जब सावन मेला हुआ करता था उस दौरान बाबा धाम में भक्तों का सैलाब लग जाता था। जितना भीड़ सुल्तानगंज में हुआ करता था बस उतना ही भीड़ बाबा धाम में भी होता था, क्योंकि सभी भक्त बाबा धाम पहुंचते थे सुल्तानगंज से जल लेकर। और धीरे धीरे शाम हो रही है, चलते चलते रात हो चुकी है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब रात्रि विश्राम के लिए हम लोग एक जगह पर रुकेंगे। रास्ते में आपको ठहरने के लिए बहुत जगह मिल जाएगा, आपको जहाँ भी ठहरने का मन हो पूरे रास्ते में आपको जो है बंदोबस्त किया हुआ रहता है ठहरने के लिए। तो अब हम लोग रुकेंगे और फिर सुबह चलेंगे बाबा धाम की ओर। तो ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले ब्लॉग में जो है आगे का सफ़र आपको मिलने वाला है, तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में आगे के रास्ते का नज़ारा लेकर। Bol bam, 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 bol